नमस्कार, मैं हूं ललिता चक्रधारी। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। चले डालते हैं एक नजर सुबह की ताजा खबरों पर। दिल्ली के सीएम केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव, घर पर खुद को किया आइसोलेट। पटना में अनियंत्रित हाईवा ने पुलिस जीप को मारी टक्कर, 3 पुलिसकर्मियों की मौत, 2 घायल। पीएम मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे पर, कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार कोविड की समीक्षा के लिए आज करेंगे बैठक। वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में भक्तों को दर्शन कराने को लेकर गोस्वामियों के 2 गुट भिड़े, जमकर चले लात घूंसे। आगरा में कूड़े से बनेगी बिजली, मुख्यमंत्री योगी आज वर्चुअल तरीके से करेंगे प्लांट का शिलान्यास। दिल्ली के 6 अस्पताल बने हॉटस्पॉट, 59 डॉक्टर कोरोना संक्रमित। सुकमा के सीआरपीएफ कोबरा यूनिट के 38 जवान कोरोना संक्रमित, सीएम भूपेश बघेल बोले अभी लॉकडाउन की स्थिति नहीं। देश में ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ रहा, कुल मरीज 1900 के करीब। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में आज हल्की तो 5 जनवरी को हो सकती है तेज बरसात। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।